गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक हार्ट डिजीज इन चिल्ड्रन से फिटल सर्कुलेशंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमें फर्स्ट ऑफली थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी, उसके बाद हम आगे की जो डिजीज है कार्ड हार्ट डिजीज से संबंधित डिजीज सभी लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में, द फिटल सर्कुलेशन इज द सर्कुलर सिस्टम ऑफ ए फिटस। द टर्म यूजली इनकम्पसेस ऑफ द इंटायर फिटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन विच इंक्लूड्स द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द ब्लड वेसल्स विद इन द प्लेसेंटा द कैरी फिटल ब्लड। यानी फिटल सर्कुलेशन एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि एक शब्द आमतौर से कहते हैं, जैसे कि कंप्लीट एंटायर फिटस फिटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, इसमें इंक्लूड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड एंड ब्लड वेसल्स, जो कि प्लेसेंटा दैट कैरी द फिटल ब्लड, जो फिटल फेटल से ब्लड को ले जाने का कार्य करती है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द फिटल सर्कुलेशन। बिफोर द बर्थ फिटस ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी जन्म से पहले जब बच्चा प्लेसेंटा के अंदर होता है, तब जो ब्लड सर्कुलेशन वाला कार्य है वह प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। ब्लड फ्रॉम द फिटल हार्ट दैट डिजाइंड फ्रॉम द लंग्स टू सेंटर्ड वे फ्रॉम द लंग्स थ्रू द शॉर्ट वेसल्स कॉल्ड इज डक्टस आर्टेरियोसिस रिटर्न एंड रिटर्न द ऑफ द एओर्टा। व्हेन द शंट इज ओपन इट इज सेड टू बी पेशेंट डक्टस आर्टेरियोसिस PDA। यानी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वह कभी जैसे डक्टस आर्टेरियोसिस, यानी दो आर्टरियों के बीच में जो डक्टस बनी होती है उसको कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस, और रिटर्न टू द एओर्टा, और यानी ब्लड का सर्कुलेशन प्लेसेंटा से ले जाना और लाने का कार्य होता रहता है, जो कि हम इस स्ट्रक्चर के अगर डिफाइन करता हूँ। द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा इज ऑर्गन ऑफ द कनेक्ट द डेवलपमेंटिंग फिटस टू यूट्राइन वॉल। एलो न्यूट्राइन अपटेक प्रोवाइड थर्मोरेगुलेशन ऑफ फिटस। प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जो कनेक्ट होता है फिटस की डेवलपमेंटिंग के लिए यूट्राइन से वॉल टू एलो न्यूट्रिएंट अपटेक, जो कि न्यूट्रिएंट देता है उसको, प्रोवाइड थर्मोरेगुलेशन यानी उसका थर्मल मेंटेन करता है, वेस्ट एनिमेशन को बाहर निकालता है, गैस एक्सचेंज वाला कार्य करता है, मदर फूड ब्लड सप्लाई के द्वारा फाइट अगेंस्ट इंटरनल इन्फेक्शन और इंटरनल में जो इन्फेक्शन होते हैं उससे फाइट करता है, टू प्रोड्यूस हार्मोन सपोर्ट प्रेगनेंसी, और ऐसे हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं जो उसको प्रिवेंट करते हैं फिटस को। जैसे ये स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा का, आउटर लेयर जैसे कि यूट्राइन आर्टरी जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई होती है। वैसे देखा जाए जनरली प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मैटरनल पार्ट, दूसरा होता है फिटल पार्ट। मैटरनल पार्ट यानी IVS इंटरवेलियस स्पेस जिसको बोलते हैं, जो कि इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया, नेक्स्ट इस डायग्राम में दिखाया गया है, इंटरवेलियस स्पेस बोलते हैं जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। दूसरा होता है विलाई सिस्टम, जैसे कि जो ये ब्रांचेस बनी हुई है रेड रेड ब्लू ब्लू सी, जिसे लिखा कोरिनिक विलस सिस्टम, ये विलाई सिस्टम होता है पूरा। IVS यानी इंट्रावेलियस स्पेसेस में जो ब्लड जो है, जो ब्लड फिटल होता है फिलअप होता है प्लेसेंटा को, वो 150 ml के हिसाब से होता है, और विलाई सिस्टम में जो ब्लड फिलअप होता है वो होता है 30-50 यानी 300-300 ml। ये इसलिए बता रहा हूँ क्वांटिटी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो IVS यानी इंट्रावेलियस फिलर स्पेस है वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्लेसेंटा के द्वारा ब्लड फिलअप कितना होता है, तो 150 ml, और जो वेलाई सिस्टम है उसमें कितना होता है 350 ml। नेक्स्ट इसमें जो होता है कि जो प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड का जो रेट है यानी सर्कुलेशन रेट है, यानी जिस रेट से ब्लड सर्कुलेशन यूट्राइन आर्टरी देती है प्लेसेंटा को, उनकी रेट कितनी होती है। IVS में अगर देती है यानी इंट्रावेनस स्पेसेस में, तो 500 टू 600 पर मिनट के हिसाब से, और वेलाई सिस्टम में देती है ब्लड सर्कुलेशन रेट 400 ml के हिसाब से। वैसे प्लेसेंटा का वेट भी 500 ग्राम होता है, और अगर रेशियो की बात करें तो प्लेसेंटा और फिटस का रेशियो 1:6 होता है, और फिटस टू प्लेसेंटा जो रेशियो होता है 6:1 होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट में, यानी जनरली सोचे यूट्राइन आर्टरी ने प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई किया, प्लेसेंटा से जो ब्लड सप्लाई है वह जैसे कि दो अम्बिलिकल आर्टरी, दो अम्बिलिकल वेन यहाँ से निकली रही है, जो आपको दिखाई दे रही होगी ऊपर की तरफ से, दो अम्बिलिकल आर्टरी, दो अम्बिलिकल वेन
जो है क्या करती है, 80% जो ब्लड है सैचुरेशन अम्बिलिकल वेन जो ब्लड है फिटस को अंदर से लेके जाती है, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है अम्बिलिकल वेन लेके जाती है और अम्बिलिकल आर्टरी वापस उस सर्कुलेशन लेके आती है। कितना, 80% जो सैचुरेशन ब्लड होता है यानी ऑक्सीजन ब्लड। एंड जो 4 मंथ की जो जब एज 4 मंथ में जब फिटस होता है तब क्या होता है, राइट अम्बिलिकल वेन है जो अम्बिलिकल वेन होती है जो बची हुई अम्बिलिकल वेन यानी 4 मंथ में राइट अम्बिलिकल वेन तो डिसअपीयर हो जाती है तो लेफ्ट बचती है। लेफ्ट क्या करती है, जो ब्लड सप्लाई है तो वो फर्स्ट जो प्योर ब्लड सप्लाई लीवर को सप्लाई करती है और मैक्सिमम ब्लड सप्लाई एक चैनल के द्वारा, जिस चैनल का नाम होता है डक्टस वेनोसस जो कि एक बाईपास चैनल होता है उसके द्वारा सप्लाई जो है होती है। और इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है, जो इन्फीरियर वेना कावा है वे लोअर बॉडी पार्ट ऑफ द ब्लड लाते राइट एट्रियम में सप्लाई करते हैं। अब जो 1/3 ब्लड है वे राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में क्रॉस कर जाता है क्योंकि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक चैनल बना होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवेन, वो भी एक सेकेंड चैनल है जो कि ब्लड क्रॉस करता है जिसके द्वारा राइट एट्रियम में 1/3 ब्लड और 2/3 ऑफ द ब्लड लेफ्ट एट्रियम में क्रॉस करता है। इसको हम बाद में देखेंगे कि जो 1/3 अब जो ब्लड है वह क्या करता है, एरोटा यानी एरोटा से असेंडिंग एरोटा यानी आर्च ऑफ एरोटा या डिसेंडिंग एरोटा में क्रॉस करता है। डिसेंडिंग एरोटा से वह थोरैसिक एरोटा में और एब्डोमिनल एरोटा में, एब्डोमिनल एरोटा में दो ब्रांच निकलती है जिसको कहते हैं इंटर इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी है जो दो ब्रांचें निकलती है जिसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, उससे फिर दो ब्रांच निकलती है हाइपोगैस्ट्रिक से अम्बिलिकल आर्टरी जो कि वापस ब्लड सर्कुलेशन को प्लेसेंटा में लेके जाती है। इस प्रकार ये जो है फिटर सर्कुलेशन चलता रहता है। अब लेते हैं हम जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड सप्लाई हुआ था वह एक पुल्मोनरी आर्च जो कि चैनल है डेक्टस जिसको बोलते हैं आर्टरियोसिस जो कि एरोटा से मिलता है उसमें ये ब्लड को डालते हैं कहाँ, लंग्स में। अब लेते हैं हम कि जो चैनल है जैसे डेक्टस वेनोसिस है, फोरामेन ओवल है और डेक्टस आर्टरियोसिस। डेक्टस वेनोसिस क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन टू अम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना कावा के बीच में एक चैनल होता है, किसके बीच में, अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना कावा। ये लीवर में ब्लड सीधा डालते हैं आफ्टर बर्थ, क्लोज डेक्टस क्लोज हो जाते हैं। अगर फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है इसकी तो 5 मिनट आफ्टर द बर्थ और एनाटोमिकल क्लोजिंग माने तो 7 डे आफ्टर बर्थ। और एमिनेट क्या होता है इसमें, लिगामेंटल वीनोसम। दूसरा होता है फोरामेन ओवल जो कि मैंने बताया आपको जो कि प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, क्या करता है, पास करता है ब्लड्स को लंग्स के अंदर। फिजिकली क्लोजिंग माने इसकी आफ्टर बर्थ 5 मिनट, एनाटोमिक क्लोजिंग माने 1 ईयर आफ्टर बर्थ। रेमिनेट क्या होता है, फोसा ओवेलिस, फेलियर ऑफ क्लोज फोरामेन ओवल यानी फेलियर ऑफ क्लोज फोसा ओवेलिस कहते हैं जो कि पेटेंट फोरामेन ओवल होता है यानी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज को बोलते हैं, इस कारण से होता है, किस कारण से, फोसा ओवेलिस के कारण से। अब डेक्टस आर्टरियोसिस जो कनेक्ट बिटवीन टू आर्टरी एंड पुलमोनरी आर्टरी एंड एरोटा जिसको बोलते हैं या डिसेंडिंग बोल लो, डिसेंडिंग एरोटा बाईपास द लंग्स, ये ब्लड को लंग्स में डालते हैं। क्लोजिंग फिजियोलॉजिक आफ्टर 5 मिनट बर्थ एंड एनाटोमिकल आफ्टर बर्थ। अब लेते हैं हम आगे की जो जनरली स्ट्रक्चर है, बिफोर द बर्थ फीटस ऑब्टेन ऑक्सीजन मदर थ्रू प्लेसेंटल अम्बिलिकल कॉर्ड द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा हो गया स्ट्रक्चर्स देन क्लियर। ये प्लेसेंटा का जो ऊपर का पार्ट मैं समझा चुका हूँ आपको। अब प्लेसेंटल रोल क्या है, द रोल ऑफ कॉन्सेप्ट फीटल सर्कुलेशन इज फीटल हीमोग्लोबिन, हायर एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन एडल्ट हीमोग्लोबिन विच अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर सर्कुलेटरी सिस्टम टू द फीटस। द सर्कुलेटरी सिस्टम टू द मदर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू फीटस, द प्लेसेंटल फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द फीटस एज वेल एज साइट फिल्ट्रेशन प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट।
वाटर ग्लूकोज एमिनो एसिड्स विटामिन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स फ्रीली डिफ्यूज अक्रॉस प्लेसेंटा एलोंग द ऑक्सीजन. नेक्स्ट द अम्बिलिकल आर्टरी कैरी ब्लड द प्लेसेंटा द ब्लड परमानेंट स्पंज लाइक मटेरियल देयर ऑक्सीजन एंड डिफ्यूज फ्रॉम द प्लेसेंटल दस क्रोनिक वेनियस द एल्वुलस लाइक स्ट्रक्चर वेयर द कैरिड ऑफ अम्बिलिकल वेन. स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होता है. कनेक्शन बेटवीन राइट टू लेफ्ट एट्रियम वाइवा फोरामेन ओवल कनेक्शन बेटवीन टनकस पुलमोनिस एंड द रोटा डेक्टस आर्टरियोसिस द डेक्टस वेनोसिस स्पॉन लेफ्ट अम्बिलिकल वेन ब्लड फ्लो डायरेक्टली टू द इन्फीरियर वेना कोवा दस द फ्लो ऑक्सीजन ब्लड ऑफ द प्लेसेंटल बाईपास द लीवर द हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी एंटर द अम्बिलिकल कॉर्ड द नाउ इज अम्बिलिकल आर्टरीज डेक्टस आर्टरियोसिस फोरामेन ओवल डेक्टस वेनोसिस हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज जो कि मैंने बताया. राइट इलियक सॉरी इंटरनल इलियक के द्वारा दो ब्रांचेस निकलती है जिसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज जो कि अम्बिलिकल आर्टरीज निकल के अम्बिलिकल आर्टरीज में बनाती है जिसको बोलते हैं जो कि 50-60% जो ओटी सैचुरेटेड ब्लड है वापस प्लेसेंटा में भेजता है. सर्कुलेट कैसे होता है अब मैं जैसे समझाया वैसे अब और समझ में आ जाएगा इस तरह से. ब्लड फ्रॉम द कैरियड ऑफ द फीटस अम्बिलिकल वेन लेस देन द थर्ड ऑफ द एंटर द फीटस डेक्टस वेनोसिस इन कैरियड द इन्फीरियर वेना कोवा वेन द रेस्ट एंटर द प्रॉपर फ्रॉम द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर द ब्रांच ऑफ अम्बिलिकल वेन द सप्लाइज द लोब ऑफ लीवर फर्स्ट जॉइन ऑफ द पार्सल वेन पोर्टल वेन सॉरी द ब्लड वेन ऑफ द मूव्स द राइट एट्रियम टू हार्ट द फीटस इज द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम इसको बोलते हैं फोरामेन ओवल देन द मोस्ट ब्लड फ्लो थ्रू द दिस डायरेक्टली इनटू द एट्रियम टू राइट एट्रियम दस बाईपासिंग पुलमोनरी सर्कुलेशन के द्वारा द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द पंप्ड थ्रू द एरोटा इन द बॉडी जैसे कि पुलमोनरी ट्रंक जो कि डेक्टस आर्टरियस के द्वारा जुड़ा होता है राइट वेंट्रिकल से. लंग्स देन पुलमोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम इन्फीरियर वेना कोवा लीवर एंड अम्बिलिकल वेन लीवर पुलमोनरी वेन्स डक्टस आर्टरियोसिस एरोटा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड अम्बिलिकल आर्टरीज देन प्लेसेंटा देन अम्बिलिकल प्लेसेंटा यानी इधर से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ और वापस अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा आ गया जैसे कि अम्बिलिकल वेन डक्टस वेनोसिस इन्फीरियर वेना कोवा राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड पुलमोनरी ट्रंक बीच पे राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल एक जो कि चैनल है लेफ्ट एट्रियम से जुड़ा हुआ यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक चैनल देन फिर वहाँ से एक लेफ्ट एट्रियम से एरोटा देन लंग्स पुलमोनरी लंग्स के बाद पुलमोनरी वेन्स. सम ऑफ द ब्लड मूव्स टू एरोटा थ्रू इंटरनल इलियक आर्टरीज अम्बिलिकल आर्टरीज रिटर्न प्लेसेंटा वे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट द फीटस आर टेकन अप इन मेटल सर्कुलेशन. नेक्स्ट सम ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन राइट एट्रियम डज नॉट पास द डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम थ्रू द फोरामेन ओवल बट इंटर द राइट वेंट्रिकल एंड द पंप इनटू द पुलमोनरी आर्टरी इन द फीटस देयर इज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन द पुलमोनरी आर्टरी एंड द एरोटा कॉल्ड इज डक्टस आर्टरियोसिस that most of blood away the lungs which is the huge respiration points as the fetus suspended amniotic fluid fetal circulations flow kya hota hai jo blood uterine dwara jata hai flow yani the blood flow through umbilical cord is absolutely 35 ml 26 to 40 ml per minute ke hisab se 40 weeks of gestation adapted in the weight of the fetus corruption 115 ml minute kg 20 weeks and 64 ml kg weight 40 weeks in crepons of the 17% of the combined cardiac output of the fetus 10 weeks and 33.8 to 20 weeks of gestation endothelial prostenoid cause of vasoconstriction of placental artery while nitric oxide cause vasodilation on the hand on the neural vascular regulation and किटो हेलमेस हैव ओनली लिटल इफेक्ट. पाथवे ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा थ्रू अम्बिलिकल वेन फीटस लीवर रिसीव डी ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन थ्रू द डेक्टस वेनोसिस एंड इन्फीरियर वेना कोवा देन राइट एट्रियम टू हार्ट थ्रू फोरामेन ओवल और लेफ्ट एट्रियम टू हार्ट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू हार्ट डी ऑक्सीजन ब्लड
ड्यूरिंग द वेंटिकल सिस्टोल लेफ्ट वेंटिकल ब्लड पंप हुआ एसेंडिंग aorta टू डिस्ट्रीब्यूट बाय देयर ब्रांचेज टू हार्ट हेड नेक एंड ब्रेन्स और राइट वेंटिकल विद O2 कंटेंट डिस्चार्ज यानी O2 कंटेंट को बाहर निकाल के पुलमोनरी आर्टरीज डायरेक्टस वेनोसस के द्वारा डिसेंडिंग aorta डिसेंडिंग aorta से हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज जो कि राइट इंट्रेलिक ब्रांचेज होती है और फिर अम्ब्लिकल आर्टरी से प्लेसेंटा। ब्लड प्रेशर क्या होता है? इन इज द फिटल हार्ट ऑफ द मदर हार्ट ऑफ द ब्लाइंड फिटल प्रेशर ड्राइव टू ब्लड थ्रू फिटल सर्कुलेशन इंटरप्टेड इंटरकार्डिक टू रिमेन आइडेंटिकल बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ह्यूमन फिटस। द फिटस प्रेशर इज द aorta इज अप्रोक्सीमेटली 30 mm of the 20 weeks of gestation and increase to the 45 mm of the 40 weeks of gestation. The fetal pulse pressure in the calcium pressure is a 20 mm of the 20 weeks of gestation. Increase the calcium 20 mm of the 20 weeks of gestation. The blood pressure decrease when passing through the placenta arterial umbilical. It is a 15 mmHg capillaries in the villi. Subclavian pressure of 20 mmHg umbilical vein returning the heart. Cardiac output during fetal life 35 mL per kg weight के साथ following birth infant per minute and heart rate 120 to 140 per minute. At birth clamping the cords of the low pressure system increase. Atmospheric pressure increase systematic avascular resistance cause lungs and inflate of oxygen. Lungs now become a low pressure system. Changing the fetal system after birth. क्या चेंज होते हैं? Ductus arteriosus 10 to 9 soon horse birth. Anatomical क्या चेंज आते हैं इसमें? 2 weeks after birth और ligamental arteriosum होता है. Foramen ovale में क्या होता है? Within several minutes after birth बंद हो जाते हैं and 1 year physiology close हो जाते हैं. 1 year after birth. फोसा ओवेलिस किसमें होता है? डायरेक्टस वेनोसिस विद सीवियर मिनट्स ऑफ आफ्टर बर्थ 3 to 7 डेज आफ्टर बर्थ लिगामेंटल वेनोसम अम्बिलिकल आर्टरीज अम्बिलिकल लिगामेंट्स अम्बिलिकल वेन इग्लामेंट टेरेस। फिटल वाले इंडिपेंडेंट सर्कस में क्या होता है? फिटल में जैसे कि ब्लड सप्लाई धीरे लीवर में होती है, लो प्रेशर सिस्टम होता है, राइट टू लेफ्ट सेंटिंग होता है, लंग्स नॉन फंक्शनिंग होता है, इंक्रीज पल्मोनरी रेजिस्टेंस होते हैं, डिक्रीज सिस्टमिक होते हैं और इन्फेंट में हाई प्रेशर सिस्टम लेफ्ट टू राइट ब्लड फ्लो लंग्स फंक्शन होता है, डिक्रीज पल्मोनरी रेजिस्टेंस होता है, इंक्रीज सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस होता है। चेंज इन द सर्कुलेशन बर्थ चेंज द सर्कुलेशन ड्यू टू टाइपिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड रेदर एस्टेब्लिशिंग ऑफ रेस्पिरेशन व्हेन द इन्फेंट कैरीज लंग्स एक्सपेंड देयर वैस्कुलर इंक्रीज सो ब्लड विच इन द पासिंग थ्रू द डक्टस आर्टरियोसस टू द aorta थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज टू द लंग्स ऑक्सीजनेशन विद इन द शॉर्ट पीरियड टर्म ऑफ द 20 मिनट्स डक्टस आर्टरियोसस कैन कॉजली बिकम द कार्डिक लिगामेंट इन द डक्टस कैस डक्ट आर्टरियोसिस ह्यूमन पेशेंट द इंक्रीज ब्लड फ्लो द लंग्स रिड्यूस द प्रेशर राइट साइड द हार्ट द इंक्रीज टेंशन टू लेफ्ट साइड कॉजिंग ऑफ द वॉल्वी लाइक फोरामेन ओवल द क्लोज इफ दिस डज नॉट अकर वेनस प्रेशर राइट एट्रियम मिक्स ऑफ द आर्टरियल ब्लड इन द लेफ्ट आर्टरी इन द हार्ट द पार्ट द अम्बिलिकल वेन ऑफ द लाइन अंडर द एब्डोमिनल बिकम्स थ्रोम्बोस एंड occluded soon after the cord is tied from the fibrous cord ligamental limbs of liver the ductus venosus become the ligamentum venosum which the support the attachment of the portal vein inferior vena cava hypogastric arteries trophy and from the ligament between the bladder and umbilical thus reference Merriam human anatomy and physiology Tauta principle of anatomy physiology organism support movement control system the human body. Thank you everyone. This topic is complete. Fetal circulation.